क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए मंशियात की एक बहुत बड़ी खेप जो आपके शहर में दाखिल होने लगी है सर। कहाँ पे? पंजाब पुलिस के हाथों पकड़ी जाने वाली मुनशियात का अहवाल जिसकी मकदार है 6 मन से भी जायद। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक्स जो है मुजफ्फरगढ़ में दाखिल हो रही है। ये ऑपरेशन कैसे हुआ देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। देखिए जराइम पेशा नासिर की ये गलती होती है कि वो ये समझते हैं, तसव्वुर उनका ये होता है कि वो जुर्म कोई भी कर लेंगे वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। हमेशा ये बात याद रखना है कि जराइम पेशा नासिर का मुस्तकबिल जेल की आहनी सलाखें और कानून का शिकंजा है और इसके अलावा कुछ नहीं। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आपको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लेजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 192। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 432। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजरेआम पर आने वाले केसेस हैं 14। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 5821। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस मोड़ पर हम आपको जो जुर्म की दास्तान दिखाना चाहते हैं वो हम तक पहुंची है शहर सुल्तान पुलिस स्टेशन की हुदूद से। यानी हम आपको दिखाना बताना आगाह करना ये चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर चाहे कितने ही अय्यार कितने ही चालाक क्यों ना हो जाएं, जुर्म जुर्म है और एक ना एक लम्हे आश्कार जरूर होता है। ये कानून कुदरत है और खास तौर से ऐसे जराइम पेशा नासिर की सोचें यही होती हैं कि वो किसी की निगाहों में आ ही नहीं सकते या उन्हें कोई शिनाख्त नहीं कर पाएगा। यही सोचें इन्हें कानून के कठेरे तक और जेल की आहनी सलाखों तक ले जाती हैं। याद रखने की बात है कि जुर्म जुर्म है, एक ना एक दिन आश्कार जरूर होता है। ये कानून कुदरत है। और नाजरीन इन्हीं मराहिल पर चलते हुए कानून के एहलकारों ने, मुजफ्फरगढ़ पुलिस के एहलकारों ने किस तरह जराइम पेशा नासिर को अपनी तहवील में ले लिया, मनो मनुष्यात
जो इंसानों के लिए जहर की मानंद हैं, उन मनुष्यात को तरसील के मराहिल में ही रोक लिया गया। जुर्म की यह दास्तान कब कहां कैसे वकूफ पजीर हुई और इसका अहवाल क्या रहा, यह सब कुछ हम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको आगाह कर रहे हैं एक ऐसी गुजरी दास्तान से कि जो इंसानों की रगों में बहते हुए खून के दरमियान नशे जैसी लानत की आमेजिश करने की साजिशों का आलयकार बने हुए हैं। नाज़रीन, ये तस्करा हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी मुआशरे को तबाहियों और बर्बादियों से हमकनार करना हो तो उसे मुनशियात जैसी लानत से हमकनार कर दें तो फिर उस मुआशरे को ताराज होने से कभी कोई नहीं रोक सकता। और इसी बहाने वतन दुश्मन अनासर हमारी परवान चढ़ती नई नस्ल को रोज मनुष्यात की नित नई लानत से रोशनास कराने में महव हैं। आज तालीमी इदारों से लेकर बड़ी बड़ी पार्टीज में भी इसी डगर का तस्करा जारी रहता है, जिन्हें पार्टी ड्रग्स का नाम दिया गया। और बस यही जादू जुनून की सूरत आज हमारी सोसाइटी को अपनी गिरफ्त में लिए जा रहा है। हमें और आपको मिलकर आने वाली इस अफरीत का हर सूरत में मुकाबला करना होगा, इसे रोकना होगा। वरना दीमक की मानिंद सलाहियत करता हुआ यह नशा इंसानी जिंदगियों को पामाल करता चला जाएगा। हम और आप शायद तमाशा ही देखते रह जाएं। सोचने का मकाम यह है कि अगर किसी घर का कोई फर्द इस मनुष्या जैसी लानत में पड़ चुका हो, दरबदर हो चुका हो, तो उस घर का अहवाल क्या होगा। वन नेशन वन डेस्टिनेशन से नो टू ड्रग्स फ्रॉम एंटी नॉकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान। और मनुष्यात का कारोबार करने वाले मासूम इंसानों को मौत फरोख्त करने के मंसूबे बनाते रहते हैं, जो जराइम पेशा अफराद का कारोबार जिंदगी है। ऐसी ही एक ताजा तरीन दास्तान आज के इस एपिसोड का हिस्सा है जो हम आपको बता रहे हैं। 3 नवंबर 2023, शहर सुल्तान पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला मुजफ्फरगढ़। FIR नंबर 1160/2023, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेरे दफा 9(1)(3)(e) के तहत मिलने वाली इत्तलात का ताकुब करके उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। ये मुजफ्फरगढ़ का इलाका है और ये है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस। हसनैन हैदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ हैं। हेलो, यहां इनके पास आने वाली एक अहम तरीन फोन कॉल ने इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। जी जी जी, मैं डीपीओ बात कर रहा हूं। सर, मैं आपको एक जबरदस्त खबर देने लगा हूं सर। जी बताइए प्लीज। सर, पशीन से मंशियात की एक बहुत बड़ी खेप जो आपके शहर में दाखिल होने लगी है सर। और अगर आप मुझे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो मेरे लिए आसान होगा इस ट्रक को इंटरसेप्ट करना। सर, ये 100% परफेक्ट खबर है सर। नहीं नहीं सर, पहले कभी मैंने कोई ऐसी वैसी खबर दी है आपको जो झूठ साबित हुई है सर।
ये किस टाइम पे गुजरेगा जी वहां से ट्रक? दूसरी जानिब से आने वाली इत्तला अहम तरीन मामलात की खबर दे रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। होने वाली गुफ्तगू का एक एक लम्हा कीमती तरीन था। तो जी ऐसे तो शहर सुल्तान से कहें कि फौरन मेरे पास पहुंचे। हेलो, बस इसीलिए फौरी तौर पर इलाका एसएचओ को तलब किया गया। जी बैठे, आपको अर्जेंटली इसलिए बुलाया कि एक इन्फॉर्मेशन है। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक्स जो है वो इंटर प्रोविंशियल बाउंड्री से मुजफ्फरगढ़ में दाखिल हो रही है। आने वाले अपने इलाका एसएचओ को तमाम तर अहम मामलात बताए जाने लगे। So, उसको हर सूरत में हमने पकड़ना है, किसी सूरत में भी ये हमारा मिस नहीं होना चाहिए। इसमें आपके साथ जो अच्छी टीम है वो कॉन्स्टिट्यूट करें, टीम को साथ लेके जाएं। यहाँ इलाका इंचार्ज को इस बात के लिए भी पाबंद कर दिया गया कि जब तक ऑपरेशन मुकम्मल न हो जाए किसी भी सूरत में कोई लोकेशन खाली नहीं छोड़नी चाहिए। और जब तक मैं आपसे ना कहूँ आप चेकिंग प्वाइंट से टीम का कोई भी बंदा जो है वो अपनी पोजिशन नहीं छोड़ेगा। इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। कोई बंदा भी अपने पॉइंट ऑफ ड्यूटी को नहीं छोड़ेगा जब तक हम इस ट्रक को इंटरसेप्ट नहीं करते। और जैसे ही आप इस ट्रक को इंटरसेप्ट करेंगे तो आप फौरी तौर पे मुझे इतला देंगे। इसमें किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कोई बंदा अपना पॉइंट ऑफ ड्यूटी नहीं छोड़ेगा जब तक हम अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेते। जैसे ही आप इस ट्रक को इंटरसेप्ट करेंगे तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर इन्फॉर्म करेंगे। बस आप अल्लाह के नाम में निकलें और इंशाल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी होनी चाहिए। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals Most Wanted। यानी ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला जहां टूटा था वहीं से हम इस सिलसिले को दोबारा यकजा कर रहे हैं। बोला ऐसा कीजिए CMW। मुंशी साहब कितने मुलाजिम हैं इस टाइम हमारे पास? तमाम मुलाजमीन को तैयार करें, असला अमुनेशन के साथ मोबाइल वन तैयार करें। एक एमरजेंसी मिशन है। कोई वाइट सफेद पार्च आदमी है इंचार्ज सिक्योरिटी वाले को दो तीन मुलाजिम है। कोई इशू मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल फौरन आप नफरी तैयार करें जल्दी। मोबाइल वन भी यहां से रवाना होते ही मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में होने वाली कार्रवाई पेश बंदियों की पहली कड़ी थी। फौरी तौर पर पुलिस पार्टियां मुख्तलिफ मकामात के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी।
सबसे पहले खास तौर पर इन पाबंदियों का ख्याल रखा जाने लगा कि शहर के खारिजी और दाखिली रास्तों को इस तरह महफूज बना दिया जाए कि कोई बिला चेकिंग के ना इधर आ सकता हो ना जा सकता हो। यानी बिना चेकिंग के कोई मतलूबा गाड़ी शहर में दाखिल ही ना हो पाए। जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ मराहिल में स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, काफी वक्त गुजर जाने के बावजूद जब कोई मशकूकाना ट्रक मंजर पर नमूदार नहीं हुआ तो SHO ये सोचने लगा हो सकता है वो गाड़ी कहीं और से क्रॉस कर गई हो, या ये भी मुमकिन है कि वो गाड़ी आज इधर आए ही ना। एक बात जरूर याद रखने की है नाज़रीन कि कभी भी जहन में शकूक और शुबहात को जगह नहीं देनी चाहिए। याद रखिए, शकूक और शुबहात आपके इत्माद को ठेस पहुंचाते हैं। इसके बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ से राबिता कायम किया। और जब तक मैं आपसे ना कहूं आप चेकिंग पॉइंट से टीम का कोई भी बंदा जो है वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। ये DPO को ये बता रहे थे कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक कोई ऐसी गाड़ी मंजरे आम पर नहीं आई कि जिसे हम मशकूक जाने। आई किसी सूरत में ये ट्रक नहीं यहाँ से गुजरना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी जानिब से मुस्तकिल इस बात पर पाबंद किया जाता रहा कि हर सूरत में उस ट्रक को फॉलो करना है, और जब तक वो ट्रक निगाहों में न समझ आए अपनी कोई लोकेशन खाली नहीं छोड़नी। एटर्नी कास्ट, इसमें नारकोटिक्स की बड़ी क्वांटिटी मौजूद है रिपोर्टेडली, चेक इट आउट प्लीज। इसके बाद एक बार फिर तसलसल से इंतजार के मराहिल शुरू हो गए।
तमाम तर गुजरे मराहिल के दरमियान आखिरकार एक मतलूबा ट्रक नमूदार हुआ, शायद जिसकी निशानदेही की गई है। बिल्कुल इसी अंदाज से इस ट्रक को चेकिंग के लिए रोक लिया गया। नाजरीन, जैसे ही इस ट्रक की चेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जराइम पेशा नासिर ने फौरी तौर पर राह फरार इख्तियार कर ली। की जाती रही, निगाह कहां पे आई है, जल्दी ले चलो। तो नए नए मराहिल मंसर पर उभरने लगे। चलो भाई, चलो। हाँ, बताओ ना। और आखिरकार इस ट्रक के खुफिया खानों से मुनशियात की एक बड़ी मकदार बरामद होना शुरू हो गई। ट्रक में मुख्तलिफ मकामात पर मुनशियात से लबरेज ये पैकेट मौजूद थे। और उसके बाद मजीद मालूमात के दरमियान खुफिया खाने खोले जाने लगे। यहां से भी मुनशियात की एक बड़ी मकदार बरामद होना शुरू हो गई। इन तमाम चीजों को अपनी तहवील में लेकर कानून के एहलकार कुछ मकामी पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हुए और कुछ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ की जानिब। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं और तिजारती मशवरों के बाद हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं शहर सुल्तान पुलिस स्टेशन की हदूद से पकड़ी जाने वाली मुनशियात का अहवाल, जिसमें मनो मुनशियात कानून की तहवील में ले ली गई। जनाब पेशा नासर इसकी बाबत क्या कुछ बयान करते हैं और फिर मासूम इंसानों के रगों में यह जहर की सूरत सराइयत करने वाला नशा, आप सोचिए तो सही कि तबाहियों बर्बादियों के अलावा और क्या है। शुरू करते हैं एक बार फिर CMW। मंशियात की एक बहुत बड़ी खेप जो आपके शहर में दाखिल होने लगी है सर। कहां पे? क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद से पकड़ी जाने वाली मनुष्यात का कुछ अहवाल। ये
जिसमें तकरीबन 6 मन से भी जायद मनुष्यात बरामद की गई। खाना बना हुआ था चादर टैंकी के अंदर, टैंकी के अंदर से रिकवर हुई है। नाजरीन, पकड़ी जाने वाली ये मनुष्यात मासूम इंसानों की रगों में जहर की मानिंद सलाहियत करता यह कारोबार जराइम पेशा नासिर का रोजगार जिंदगी है। वो जराइम पेशा नासिर जो मुआशरे में मनुष्यात जैसी लानत को परवान चढ़ा रहे हैं, वो इस मुआशरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। साहब, हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, 118 पैकेट का रिकवर हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है, दिखाएं जरा। पकड़ी जाने वाली मनुष्यात को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर के रूबरू पेश किया गया। नाजरीन, याद रहे कि पकड़ी जाने वाली ये मनुष्यात तकरीबन 6 मन से भी जायद है, जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई के लिए लाई जा रही थी। और वेरी वेल डन, हमने इसी तरह से मनुष्यात के खिलाफ अपनी कैंपेन को जारी रखना है। मनुष्यात फरोशों के इस कारोबार को कानून के एहलकारों ने ताराज करके रख दिया। इस मोड़ पर हम अवामुन्नास से यह जरूर गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे मामलात आपकी निगाहों में कहीं आते हैं या आप देख रहे हैं, तो बराहे करम फौरी तौर पर कानून के एहलकारों को या 15 पर इत्तला दीजिए। इसके बाद गिरफ्तार होने वाले मुलजमान से यहां शुरू हुई इंटरोगेशंस। क्या नाम है तुम्हारा? हिजबुल्ला। जी सर। कहां के रहने वाले हो? पश्चिम। वहां से ये माल लेकर आ रहे थे? जी। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी सेठ की है। सेठ की है जी। कौन है आपका सेठ? अली खान। आपकी अपनी गाड़ी नहीं है ये? नहीं सर। आप ड्राइवर हो? हाँ सर। कितने अरसे सर ड्राइवर हो? तकरीबन इसके साथ 1 महीना हुआ है। 1 महीने से? जी। पहले कहाँ काम करते थे? पहले इसी लेन पे थे। किस पे? इसी लेन पे थे। इसी लाइन पे थे? जी सर। किस चीज का काम करते? सीजन से लेके जाता था लाहौर। अच्छा, ये काम कब से शुरू किया है? ये पहला फेरा है सर, हमको पता भी नहीं। झूठ बोल रहे हो? नहीं सर। सारे इसी तरह कहते हैं जब पहला फेरा है? पहला सर, हम कुरान पे आते हैं। सही से बताओ, कितने अरसे से काम कर रहे हो? सर ये पहला फेरा है। तुम्हारे झूठ बोलने से तुम क्या समझते हो कि हम यकीन कर लेंगे? नहीं सर। तो फिर? सर ये कसम से हम सच बोल रहे हैं। नहीं, कसम तो उठा रहे हो आप, लेकिन ये भी तो सोचो ना, किस काम के लिए आप कसम उठा रहे हो? एक चीज आपसे बरामद हुई है, रिकवर हुई है, आप ला कर रहे थे, किसका माल था ये? ये अली खान का था। वो कहाँ के रहने वाला है? वो पश्चिम का है। किसको देने आए थे ये बताया? ये पता नहीं था, उसने बोला आप जाओ लाहौर पे। अच्छा। हाँ, उधर टमाटर खाली करवाओ, फिर जाओ आप अलीपुर पे। पहले आप लाहौर गए थे? हाँ सर। लाहौर से फिर आप मुल्तान आए हो? हाँ सर। वहाँ से टमाटर लेकर आए हो? हाँ सर। और ये माल जो है ये उसके नीचे था? हाँ सर। अच्छा, तो ये कहाँ से वहाँ भरा? आपके सामने किया था? नहीं सर, हमें आपके सामने नहीं, आपको पता नहीं था? नहीं सर। झूठ बोलते हो? नहीं सर, हम सच। आपके साथ ही तो रखा हुआ था वो जो पहले भी पहुंचा गए यहाँ पे माल? हाँ सर, पहले भी आए होंगे। उसने हम पे रब्ता किया, उसने बोला कि आप जाओ। दूसरा साथी है, वो पहले आया था माल देने के लिए? सर वो पहले आया था, उसको भी पता नहीं था। उसका नाम क्या है जो दूसरा साथी है? वली खान। वो भी आपके साथ ही लाहौर भी आपके साथ गया था? हाँ सर। वहीं से आपके साथ आया है? हाँ सर। क्या क्या देता है वो आपको यहाँ माल पहुँचाने? 1 लाख का रास्ता। 1 लाख? 1 लाख रुपया देते हैं सर। इसने ये नहीं बताया कि गाड़ी में मनुष्यात आपके बताने पे बरामद किया गया? हाँ सर। मीन्स कि आपको पता तो था ना सर। क्या नाम है आपके उस दोस्त का? वो सनाउल्ला। वो भी यही काम करता है? हाँ सर। आप सारे यही काम करते हो? आपके जितने भी दोस्त हैं आप यही काम करते हो? नहीं, वो दोस्त कर रहा था, उसने छोड़ दिया। आप बर्बाद कर रहे हो यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, जवान नौजवान नस्ल को आप बर्बाद कर रहे हो। आपको पता है इस बात का? नहीं सर। आप कैसा घनौना और गंदा काम कर रहे हो? सर उसने बोला क्या वो, फिर मैंने पुलिस वाले को बोला, हमने बोला शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? कितनी मिकदार में है ये चार्ज? कितने लोग इस पीने के बाद अपने जिंदगी के साथ खेलेंगे? कितने लोग हैं बड़े, पता है आपको? नहीं सर। अब ये आपने अलीपुर लेकर जाना था? हाँ सर। वहाँ की कौन आता आपके पास, किसने आकर लेना? ये सब पता वो फोन पे बता रहा था। आपका उससे फोन पे रहता है? सर। आप जी इनकी सीडीआर निकलवाएं, उस बंदे की वो जो पिछला बंदा है उसकी सीडीआर निकलवाएं। राइट सर।
और बी पार्टीज जो है उनको चेक करें और ये हर सूरत आप करें फौरी तौर पर। क्या नाम है तुम्हारा? वली खान। कहाँ के रहने वाले हो? हमारा मस्तूम के रहने वाले हो। हाँ। तो इसके साथ ये जो है हिजबुल्ला, इसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हम कंडक्टर है। कितने अर्से से ये काम कर रहे हो? उस्ताद को बोलो या चाहे कम उसको बोला। तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो? हाँ। गाड़ी चला सकते हो? नहीं। तुम्हें इस बात का पता था ना कि इस ट्रक में चर्स है? नहीं। किसको पता था फिर? हमको दखा ना इस करे हमको पता। अच्छा, जब रास्ते में इसने आपको तुम्हें बताया है, रास्ते में तुम्हें बताया है कि इसमें चर्स है? हाँ। डकन उतार है जब तब तुम्हें पता चला है? हाँ। उसने तुम्हें बताया है कि इसमें चर्स है? हाँ। तुम्हें भेजा किसने था यहाँ? वो सेठ हमको भेजा। सेठ ने भेजा था? जाओ, सेठ का माल लेकर आयो, जाओ गाड़ी का सफाई करो, ठहर मेर बस्ट होएगा, उसको खोलो। पहले भी माल पहुंचा चुका है। ओ, हमारा 15,000 तनख्वाह है। दूसरा चक्कर था तुम्हारा, पहले भी आए हो इधर? एक चक्कर, एक दफा पहले आए हो? हां। कहां आए थे यहां? हम वो पश्चिम पे, हमारा पश्चिम से आए थे यहां। हमारा घर अलीपुर आए थे पहले? हां हां, अलीपुर पहले पे रहे अलीपुर। अभी तो अलीपुर जा रहे थे? हां। किसको माल देना था वहां पे? पता नहीं उसका, कसम से वो बता दो हर बात क्या है। बट्टे वाला? अब मकरे बन रहे हैं। हां, बट्टे वाला तो यार क्या नाम है उसका? नाम हमको नहीं मालूम है उस। हिजबुल्ला साहब पहली दफा आया यहाँ पे? अच्छा। ये दूसरी दफा आ रहा था? तुम दूसरी दफा आ रहे हो? एक गाड़ी पे आया वो। अच्छा। उसको पकड़ा है, वो ड्राइवर को पकड़ा है उधर, वो हमको छोड़ा है, तू जाओ तू भी गुनाह। हमको पता नहीं था, उसको पकड़ा है, हमको छोड़े तू जाओ। ना वो बलोच का गाड़ी, दूसरी गाड़ी थी? हाँ दूसरी, वो बलोच का गाड़ी, हमको छोड़ा। हमको पता नहीं ये गाड़ी का भी कि इधर इसका क्या देता था तुम्हें? कितने पैसे लेते हो तुम? हमारा 15,000 महीने का तनख्वाह है। नाज़रीन, याद रखने की बात है कि मनुष्यात जैसी लानत जब इंसानी खून में तहलील होती है तो जिंदगी जीते जी मौत की भयानक तस्वीर नजर आने लगती है। माल का तो तुम्हें पता था ना, हिजबुल्ला ने तुम्हें बताया है कि गाड़ी के नीचे माल है। हमें और आपको, हम सबको मिलकर मनुष्यात की सलानत से दूर रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपने अहले खाना, अपने अजीज रिश्तेदारों को कि वो मनुष्यात की सलानत के करीब भी ना पाए। याद रखिए, मनुष्यात का इस्तेमाल मौत है और सिर्फ मौत। मनुष्यात के खिलाफ ये कैंपेन उसी सूरत में इफेक्टिव हो सकती है जब लोग पुलिस के साथ खड़े हों। सो मेरी वामुनासी गुजारिश है कि ब्राय मेहरबानी ऐसे किसी भी शख्स की अगर उन तक इन्फॉर्मेशन हो जो मनशियात के कारोबार में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो, खा वो सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, पेडलर है, तो बराए मेहरबानी हमें फ़ोन नंबर 9200311 लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन नंबर 03020779287 पे इतला करें। इंशाल्लाह ताला आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ये मनो मनुष्यात कानून के अधिकारों ने अपनी तहवील में ली और ये कार्रवाई नुमाया है। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आपने देखा मुजफ्फरगढ़ के इलाके शहर सुल्तान पुलिस स्टेशन की हदूद से मनो मनुष्यात किस तरह कानून की तहवील में ले ली गई, किस तरह जराइम पेशा नासर अपने जुर्म की बाबत बयान करते हैं। और खासतौर से एक बात याद रखने की है कि मासूम इंसानों में जहर की सूरत सराइयत करने वाला यह नशा किसी भी कौम को तबाह बर्बाद कर देने के लिए काफी है। हमें और आपको अपनी नस्लों पर निगाह रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम मनुष्यात की लानत से महफूज रह पाएं। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोजिस ख्वातीन हजरात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्त ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराहे करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सिरफराज में रखा जाता है। cmw@arynews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com। और हां, आइंदा एपिसोड तक
इंतजार कीजिएगा।